अकाउंटेंट बनने की बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन बने रहते हैं जिनके मन में सवाल होता है, जो फ्रेशर होते हैं कि कैसे अकाउंटेंट बना जाए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं और इसका हल कैसे निकलेगा। हालांकि मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था जब मैं स्टार्टिंग में अपना अकाउंटेंट अकाउंटेंट की शुरुआत करना चाहता था, और बहुत सारे सवाल थे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया भी है। आफ्टर जब मैंने अकाउंटेंट बन गया, ये मैं नहीं कहता मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे में बहुत नॉलेज है, मैं ये भी नहीं कहता, आई एम स्टिल लर्नर, और जो भी कुछ चीज़ें हैं जो सीख लिया हूँ मैं अच्छे से अपने फर्म के अंदर काम करता हूँ, और अपने क्लाइंट जो भी है मेरे, वो मेरे से अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं बिकॉज ऑफ वर्क। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, कि जब तक आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करते, मीन्स उनके वर्क को अच्छी तरीके से नहीं करते, तो आप एक अकाउंटेंट नहीं बन सकते। और बहुत लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप एक ही वीडियो बार बार बनाते हो, ये ऐसे है, आप ये चीज़ें लाओ, वो चीज़ें लाओ, आप प्रैक्टिकली वीडियो भी अपलोड करो। देखिए, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, मेरा कंसेप्ट ये है कि आप लोग को गाइड करना और इम्प्लीमेंट करना, ये आपका काम है, और मेरा काम यह है कि मैं चीजों को बहुत ही कि सरल वे में समझाऊं जो आप लोग इंप्लीमेंट करें, और बहुत सारे लोग इंप्लीमेंट करते हैं तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। और रही बात मेरी, और मेरा काम है आप लोग तक ओरली गाइड करना एज अकाउंटेंट जो मैं हूं, जो मैं सीख रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों को भी आउट ऑफ वे में भी जाता हूँ, लाइक स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, और उसके साथ साथ जैसा कि जॉब एंड यूट्यूब, तीन काम है जो मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है एक बैलेंस की तरह। और उसके साथ साथ इस वीडियो में जो कन्फ्यूजन बना है आप लोगों का कि अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, कैसे इस कन्फ्यूजन को दूर करें, क्या सीखें जो एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं अकाउंट फील्ड के अंदर, तो इस वीडियो में बने रहे, बहुत सारी चीजें ऐसे जानेंगे जो आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एज अ फ्रेशर। अगर आप कहीं सीख रहे हैं तो भी क्या चीज और सीखे, क्या चीज में इंटरेस्ट लाए जिससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो और आपका माइंड एंड स्किल। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दे इस वीडियो को, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कैसे अकाउंटेंट बना जाता है, कैसे सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, बहुत क्यूरियोसिटी हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहते थे जो गाइड कर सके, हालांकि आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा चेंज होते हुए, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी होते हुए देखा अपनी लाइफ के अंदर। और ऑब्वियसली अगर मैं कि अगर मैं उस चीज को अच्छे से नहीं करता तो मे बी कि मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, और उसके अंदर एक बहुत सारी चीजें भी शामिल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इसे इंप्लीमेंट करें, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो भी चीजें हैं बहुत वैल्यूबल होगी, और वो चीजें हैं कि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है इस अकाउंटेंट फील्ड के अंदर। मे बी कि आप अगर फ्रेशर हैं, 1-2 महीना सोच रहे हैं करने को, कर रहे हैं, एंड देन कि क्लिक हुआ माइंड में कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो क्विट करते हैं, दूसरा कोई कि जॉब को फाइंड करते हैं या फिर कुछ दूसरा कुछ सीखते हैं। हालांकि मेरे मन में भी 6 महीने के बाद भी मेरे मन में डाउट हुआ था, इससे पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ इस बारे में कि मेरे मन में भी बहुत डाउट हुआ था एंड कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या मैं सीख पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मोटिवेट करती है, नहीं यार वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इंसान के अंदर वो ऐसी चीजें होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, सब पॉसिबल होता है, डिपेंड्स ऑन ओनली यू, बिलीव ऑन योर सेल्फ कि कैसे आप कर सकते हैं, राइट। फिर मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ा, लोगों को देखा, स्पेशली वीडियो तो बहुत सारे देख लेंगे, लेकिन जब आप रियली में लोगों को टच होंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को समझेंगे, एंड देन वो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों से मिलना चाहिए रिलेटेड टू वर्क, कि आप जो काम कर रहे हैं आप उनसे मिले, उनसे समझे, वो जो आपको बता सकते हैं शायद कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे ज्यादा आपको मोटिवेट ना मिले, या फिर उससे ज्यादा मुझे लगता है होगा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मेरी वीडियो,
अगर आप देख रहे हैं और किसी से मिल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, नहीं, मेरी चीजों को अगर मैं 10 चीजें बता रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप एक चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, आई एम श्योर कि आप बहुत आगे जाएंगे। जो चीजें मैंने सीखा है वही चीजें मैं बताता हूं अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे काम करने का तरीके मालूम है, कैसे कराया जाता है काम और कैसे किया जाता है। you know, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे अंडर भी काम करते हैं, मैं बैलेंस के साथ काम करता हूं, कि किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से काम कराया जाता है। तो ये सारी चीजें जब मैं बताता हूँ वीडियो, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। और अकाउंटेंट की जो कंफ्यूजन बने एज अ फ्रेशर है, जो मेरी लाइनें हैं, जो मैं बोल रहा हूं, इसे आप अगर एक कि माइंड में बिठा लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कोई नहीं रोक सकता, जो भी आप कुछ बनने वाले हैं इस अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि फोकस बहुत ही ज्यादा जरूरी है अकाउंटेंट फील्ड के अंदर, और काम करने का तरीका, देखिए ऑनलाइन का जमाना है, आप अगर एज अ अकाउंटेंट सीख रहे हैं अकाउंटिंग टैक्सेशन की फील्ड, अगर आप ऑफिस में सीख रहे हैं तो प्लीज घर जाएं तो उसे रिपीट करें ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत ऐसे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ऐसे आर्टिकल गूगल्स पे मिल जाएंगे आप रिलेटेड टू योर वर्क, तो उस चीज को रिपीट करें कि कैसे एंट्री किया है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें जानेंगे घर पर, तो उससे क्या होगा, आपका एक रिवाइज हो जाएगा। एक चीजों पर फोकस कीजिए, एक चीजों पर फोकस कीजिए और वो चीजें कंटिन्यूसली करें। जो भी काम यहां पर घर पे ऑफिस पे सीखे, आप घर पर जाए उसे दोहराएं और उससे सीखें कि कैसे और अच्छे से हम कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज ये है कि काम मांगने से काम मिलता है। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑफिस पे आए, अच्छा फ्रेशर की बात कर रहा हूं, ऑफिस पे आए, बैठ गए और उनको लोग वो सोचते हैं कि उनको लोग लाके काम देंगे। देखिए भाई, नीड हमें है, अगर हमें नीड है तो कैसा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासा के पास आता है, राइट। तो हमें प्यास है सीखने की, हमें क्यूरियोसिटी है लर्न करने की उस चीज को, जो चीज के लिए हम आए हैं यहाँ पे, तो उस चीज को आपको मांगना पड़ेगा। कहते हैं ना, पूछ पूछ के लोग पंडित होते हैं, तो उस चीज को मांगे, करे, नहीं समझ में आ रहा है पूछे जाके। देखो, अगर आप वो पूछना आना चाहिए आपको, अगर आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे काम में, जो आपके सीनियर है वो भी लगेगा कि ये बंदा सीखना चाहता है, वरना जो वहां पर बैठे उन्हें क्या फर्क है आप सीखे या ना सीखे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम सोचते हैं कि यार, अरे एक चीज और एक मेंशन करना चाहता हूं, जितनी पगार उतने पैसे। देखो अकाउंटिंग फील्ड के अंदर कि फ्रेशर को ज्यादा पैसे नहीं मिलता, ये सबकी प्रॉब्लम है। अगर आप सीख रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये ज्यादा पैसे नहीं मिलता, वो उसकी कहानी भी है बहुत। देखो, हम सीखने आए कोई चीज के लिए और हम तो पे करते हैं सीखने के लिए, लेकिन यहाँ तो हमें दिया जाता है एज ए इंटर्नशिप की आप मान लो, तो वो सोचते हैं कि जितना काम उतनी पगार, जितना पगार उतना काम मैं करूंगा। ये लेकिन प्रॉब्लम आपकी है, आप कैसे कि कह सकते हैं कि कितना जितना पगार उतना काम। देखिए भाई, हमें सीखना है, हम जानते हैं कि अगर ये सारी चीजें सीख लेंगे ये हमें आगे बेनिफिट देगा। और आप अगर सीखना चाहते हैं क्यूरियोसिटी, या आप तो और ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेना चाहिए और ज्यादा सीखना चाहिए। जैसा कि मैं कभी पैसे नहीं देखा, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं सीख रहा था, मैं जानता था इसका पे आउट मुझे मिल जाएगा आने वाले वक्त में, और मुझे मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने काम पर फोकस करें, पैसे के फोकस मत करिए। जब तक काम आपका अच्छा होगा तो पैसे अपने आप आएंगे, राइट। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो काम को आप कर रहे हैं। देखिए, हम जॉब भी करते हैं, एज अ अकाउंटेंट मैं बात कर रहा हूं कि 80% लोगों के पास, 90% लोगों के पास, अगर वो अकाउंटेंट है जॉब कर रहे हैं तो उनके क्लाइंट भी होते हैं आउटसाइड, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि ऑफिस पे कितना 8 घंटा काम करते हैं, और फिर जब पार्ट टाइम आप कोई क्लाइंट का करते हैं, वो ऑफिस से मतलब नहीं, वो तो आपका वो अदर सोर्स हो गया कमाने का, वो जरिया ही अलग हो गया, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो उस चीज में आप ये मत सोचो कि पैसे नहीं है सिर्फ जॉब से ही। अकाउंटेंट हमेशा दो अर्निंग हमेशा लेके चलता है, एक जॉब से लेके चलता है, एक आउटसाइड जो क्लाइंट बनाते हैं उसके लिए चलता है। लेकिन वो बनेगा कैसे, वो आपकी इल्म से बनेगा, आपके ज्ञान से बनेगा। आप कैसे उस चीज को ऑफिस पे किस तरीके से काम करते हैं, कितना आता है आपको, उस हिसाब से आप क्लाइंट से भी
आप ले सकते हैं पर्सनल, नो डाउट। तो इसमें कभी यू कंफ्यूज नहीं होना कि पैसे नहीं है इस अकाउंट फील्ड में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।